सीहोर जिले के बलकिसनगंज थाना अंतर्गत मां और बेटी की हत्या का मामला सामने आते ही दहशत फैल गई। दोनों के शव घर के अंदर ही लहालून अवस्था में मिले। जिले के बिलकिसगंज थाना अंतर्गत मां और बेटी की हत्या का मामला सामने आते ही दहशत फैल गई। दोनों के शव घर के अंदर ही लहूलुहान अवस्था में मिले। मां और बेटी के शरीर पर चाकू कुल्हाड़ी के घाव लगे हुए पाए गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पीएम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सुमन बाई उम्र 25 की शादी 3 वर्ष पहले लीला खाड़ी में हुई थी, जो अपने पति के साथ फ्रीगंज बिलकिसगंज में रहती थी। 1 हफ्ते पहले लीला बाई उम्र 50 बेटी सुमन बाई के यहाँ फ्रीगंज बिलकिसगंज आई हुई थी। सुमन बाई और उनकी माँ लीला बाई के साथ 3 साल की लड़की व 4 साल का लड़का अपने मकान में थे, जबकि सुमन बाई का पति राजमल घर पर नहीं था। आज जब सुमन बाई का भाई कुछ काम से फ्रीगंज बिलकिसगंज पहुंचा, जैसे ही मकान का गेट खोला तो दोनों के शव मिले, तब घटना का पता चला। हत्या किसने और क्यों की है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। पूछताछ के लिए फिलहाल पुलिस ने मृतका सुमन बाई के पति से पूछताछ कर रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में एएसपी समीर यादव ने बताया कि डायल 100 से सूचना आई थी कि बिलकिसगंज क्षेत्र के फ्रीगंज मोहल्ले में 2 लोगों की हत्या हो गई है। पुलिस ने मौके पर देखा तो 26 वर्षीय सुमन और उसकी माँ लीला बाई की हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसमें मर्ग कायम कर लिया है, जो संदिग्ध उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हम बहुत जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे।